सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। वहीं चैन को तोड़ने के लिए सरकार कहीं ना कहीं सफल भी दिखाई दे रही है। लगातार आंकड़ों में कमी आ रही है। वहीं सोनीपत में अब पुलिस कोरोना नियमों की पालना करवाने के लिए सख्त दिखाई दे रही है। वो शहर के चारों तरफ 6 नाके लगाकर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ अनूठी पहल की शुरुआत कर रही है। वहीं बेवजह घर से बाहर घूमने वालों की पुलिस अब कोरोना टेस्ट करवा रही है। पुलिस का कहना है कि बेवजह बाहर घूमने वालों को रोका जा सकता है और अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो उसकी भी जानकारी मिल पाएगी। वहीं अभी तक 3,000 के करीब मोटर व्हीकल के चालान और 3,500 फेस मास्क के चालान किए जा चुके हैं। डीएसपी रविंद्र ने जानकारी दी कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है। वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। वहीं इसी के साथ अब पुलिस के द्वारा शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और वहीं पर डॉक्टरों की टीम की तैनाती कर दी गई है। डॉक्टरों के द्वारा वहां पर बेवजह बाहर घूमने वालों के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि बाहर घूमने से रोकने के साथ साथ कोरोना के मरीजों का भी पता लगाया जा सके। वहीं अभी तक हमने 3,000 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए हैं। लगातार कोरोना को देखते हुए नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस सख्ती के साथ काम कर रही है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया कि 35 हमने टोटल नाके लगाए जिन पे हमारे एनजीओ रैंक के अधिकारी और 5-5 मुलाजिम खड़े थे। तो कुछ जो सेंसिटिव नाके हैं वहाँ पे जीओ अधिकारी खुद खड़े होकर चलान कर रहे हैं और मास्क की भी चलान और चेकिंग की जा रही है। उसके साथ साथ हमने 5 पॉइंट ऐसे बनाए जो हेल्थ टीम जहाँ पे डिप्यूट की है। उस हेल्थ टीम के हमारे 2 पर्पज है, एक तो नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाना शहर की और दूसरा ये है कि जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके अगर पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, फास्ट रैपिड और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट करवा रहे हैं, अगर फास्ट रैपिड में वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आइसोलेशन सेंटर डिग्रेस्ट यूनिवर्सिटी में 14 दिन के लिए रखा जाता है। तो कुल हमने 5 टीमें जो कि काड़ूपुर सुंगी, घुआना बाईपास, महाराणा प्रताप चौक और उसके साथ साथ देवीलाल चौक और गीता भवन चौक पर हमने इसको डिप्यूट किया है। सर बात करें तो अभी तक 188 में कितने पर्चे मामले दर्ज किए हैं और कितने चालान अभी तक सोनीपत पुलिस ने किए? देखिएगा टोटल जो हमने अब तक 6200 समथिंग के चालान किए हैं जब से लॉकडाउन लगे और उसके साथ साथ तो जो इनकाउंट किए हैं हर रोज का हमारा इनकाउंट लगभग 10 व्हीकल का एक नाके का है और लगभग हमने जो 18 नाके सिटी सिटी एरिया के लगे हुए हैं और उसके साथ साथ अगर फेस मास्क के चलान करें तो लगभग पर डे के हिसाब से हम 600 के करीब चलान कर रहे हैं शहर में और लगभग तीसरा हफ्ता है ये। तो तीनों हफ्ते की अगर बात करें तो 21 दिन इंटू 600 चलान हम कर चुके हैं।